दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि उनके पास इस चीज का प्रूफ है कि उन्हें जहर देकर के मारा गया है, उन्हें रास्ते से हटाया गया है। ये बात वो कह रहे हैं, उनका जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें रास्ते से हटाया जा रहा है। देखिए इस वीडियो को। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मिशनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है? शर्म ही नहीं है, सब कुछ पटल पर है। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया, 3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में उनको 3 बजे 3:30 बजे छब वहां एडमिट किया गया। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंची है, मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल ने भर्ती कराया। हम लोग गए वहां, वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑक्सीजन लगी और ये सब, तो मैं होश में आया। तो दोस्तों देखा आपने, ये अफजल अंसारी साहब हैं, खुद भी सांसद हैं, इन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि वक्त आने पर ये बताएंगे कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाया गया है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।